आप अपने शरीर पर लहरों की रगड़ को महसूस करते हैं। आप जागते हैं और देखते हैं कि आप समुद्र में दो पैरों पर खड़े एक विशालकाय दैत्य हैं। आपके शरीर से पानी नीचे टपकना शुरू हो जाता है जैसे बारिश हो रही हो। आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी से काफी ऊंचे हैं। आप अपने हाथों को देखते हैं और उनकी तुलना पास में खड़े एक छोटे हॉट डॉग स्टैंड से करते हैं। आप इसे उठाकर अपने हाथ की हथेली पर रखते हैं और अचानक वो गलती से क्रश हो जाता है। अचानक आपको अपने टखने पर हल्की सी चुभन महसूस होने लगती है। आप नीचे देखते हैं और पाते हैं कि कुछ लोग आपको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर लोग आपसे डर कर भाग रहे हैं। कुछ लोग आपकी फोटो खींच रहे हैं तो दूसरे लोग चिल्लाकर आपको जाने के लिए कह रहे हैं। आप मेन रोड की तरफ कदम बढ़ाते हैं और एक कार को कुचल देते हैं जिसके अंदर कोई नहीं था। आपके नीचे मौजूद लोग चींटियों की तरह तितर बितर हो रहे हैं। आप शहर में आगे चलते हैं और नोटिस करते हैं कि शहर के बाकी हिस्सों के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार है। आप रास्ते में अपने नीचे आने वाली हर चीज को कुचलते हुए शहर की ओर बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि कुछ दूसरे दैत्य समुद्र के पास खड़े हैं और बैरिकेड्स की सुरक्षा से लैस शहर की ओर बढ़ रहे हैं। आप महसूस करते हैं कोई चीज है जो आपको वहां बुला रही है। बहुत से लोग दीवार पर खड़े होकर अलार्म बजा रहे हैं। दीवार की रक्षा करने के लिए और भी लोग उनसे आकर जुड़ते हैं। बाकी लोग उस जगह को खाली कर रहे हैं और छोटे छोटे छेदों में छिप रहे हैं। आपने नोटिस किया कि कुछ दैत्यों के पास बहुत ही अजीब फीचर और टेढ़े मेढ़े अंग हैं। कुछ दोनों हाथ पैरों पर चल रहे हैं, जबकि कुछ के पास काफी लंबी भुजाएं हैं जो किसी भी चीज तक पहुंच सकती हैं। आप थोड़ा हिलते हैं और गलती से किसी पर पैर रखने वाले होते हैं। वो चुपचाप खड़ी है। आप उसे उठाते हैं और उसे अपनी आंखों के लेवल पर लेकर जाते हैं। आप दोनों आंखों से कॉन्टेक्ट बनाए हुए हैं। आप उसे अपने कंधे पर बिठाते हैं, जबकि बाकी दैत्य आपको पीछे छोड़ते हुए शहर की ओर जा रहे हैं। जब आप चुपचाप खड़े हैं और वे आपको धकेलते और रगड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा कोशिश किए बिना वे दीवार तोड़ देते हैं और शहर को बर्बाद कर देते हैं। किसी वजह से आप उस सम्मोहन से बाहर निकल आते हैं जो आपको शहर की ओर खींच रहा था। आप अपने कंधे पर महिला को बैठाए हुए घूम जाते हैं और वापस समुद्र की ओर बढ़ते हैं। आप समुद्र के सबसे गहरे छोर तक पहुंचते हैं और तब भी चल पा रहे हैं। महिला डरी हुई है और उसे नहीं पता कि क्या करना है। आप उसे एक छोटे से आइलैंड पर उतार देते हैं और उसे पास से घूरते हैं। वो सूर्य को नहीं देख पा रही क्योंकि आपका सिर उसके रास्ते में है। थोड़ी देर के लिए आप उसे वहीं छोड़कर धूप में बैठते हैं। आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप इस प्लेनेट पर क्यों मौजूद हैं और किस चीज ने इस महिला को बचाने के लिए आपको मजबूर किया है। रात होती है और आपको नींद आ रही है। महिला एक पेड़ के नीचे सो गई। आप सीधे खड़े हैं जबकि लहरें आपको आगे पीछे हिला रही हैं। अचानक लहरें और तेज हो जाती हैं और आपको पानी में कुछ चलता हुआ महसूस होता है। आप चारों ओर देखते हैं लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? अंधेरे की वजह से कुछ पता नहीं चल रहा है। आप जल्दी से उस महिला को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लेते हैं। वो जाग गई। आप दैत्यों को चिल्लाते हुए अपनी ओर चलते और तैरते हुए देखते हैं। वे आपका पीछा करना शुरू कर देते हैं। आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप जितनी जल्दी हो सकता है तेज चलते हैं, पानी को चीरते और समुद्र के तल को तोड़ते हुए। आप अपने सामने एक कार्गो शिप देखते हैं और इसे सावधानी से एक तरफ कर देते हैं ताकि इसे नुकसान न पहुंचे। लेकिन आपका पीछा करने वाले दैत्य शिप की परवाह नहीं करते और आपको पकड़ने की कोशिश करते हुए उसे डुबो देते हैं। आपको लगता है आप कम गहरे पानी वाली जमीन पर पहुंच गए हैं और इसलिए आप दौड़ना शुरू कर देते हैं। आप एक नए देश में हैं जिसे दैत्यों ने तबाह कर दिया है। इमारतें पूरी तरह से ढेर हो चुकी हैं और मलबा ब्रेड के चूरे की तरह बिखरा हुआ है। थोड़ी दूरी पर आप कुछ और दैत्यों को समुद्र तट पर जागते हुए और आपको घूरते हुए देख पा रहे हैं। वे आपके कंधे पर बैठे इंसान को सूंघ सकते हैं और आपका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वे अजीब दिखाई दे रहे हैं और उनमें असामान्य फीचर्स भी हैं। खुले में छिपने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आप पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। वहाँ पर आप घाटी में एक बड़े झरने के पास छिप जाते हैं। आप देखते हैं कि आपकी स्किन का कलर बदलना शुरू हो गया है और आप आसपास के एटमॉस्फेयर के साथ घुल मिल गए हैं। देखा जाए तो हर एक दैत्य के पास एक खास फीचर है। जाहिर तौर पर आपका खास फीचर स्किन का कलर चेंज करने की पावर है।
आपके कंधे पर बैठी महिला सो रही है। आप उसे देखते हैं और आप दया की भावना महसूस करने लगते हैं, जैसे किसी पालतू को देखना। आप दूसरे दैत्यों जैसे नहीं है, आप तबाही की इच्छा नहीं बल्कि इंसानों की हेल्प करना चाहते हैं। आप कुछ दैत्यों को दूर से आते हुए सुनते हैं। आप एक नजर डालते हैं और कुछ नए दैत्य दिखाई देते हैं जो आपसे 3 गुना बड़े हैं। वे आपकी तलाश में चारों ओर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वैसे वे करीब आ रहे हैं। आप गलती से कुछ शोर कर बैठते हैं और वे आपको खोज लेते हैं। वे आपके पीछे दौड़ने लगते हैं और आप उठकर उनसे दूर भागना शुरू कर देते हैं। आप किसी ऊबड़ खाबड़ इलाके से दौड़ते हुए जा रहे हैं। कुछ दूसरे दैत्य कूद कर आपके सामने आ जाते हैं, जबकि पीछा करने वाले आपको पीछे से घेर लेते हैं। आप अपने से 3 गुना बड़े 5 दैत्यों से घिरे हैं। आप उस महिला को सुरक्षित स्थान पर बैठा देते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी करते हैं। वे हर तरफ से आपको घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कूदते हैं और उन्हें चकमा दे देते हैं। सबसे बड़ा आप पर अपना हाथ रखने में कामयाब हो जाता है और आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आप फिसल कर उसे दूर धकेल देते हैं। उनमें से बाकी लोग आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप मूव कर जाते हैं और उनकी पकड़ से निकल जाते हैं। जब वे आपका पीछा कर रहे हैं तो आपको एक चट्टान दिखाई देती है। आप उस तरफ बढ़ जाते हैं। जिस वक्त वे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी पीठ खड़ी चट्टान की तरफ होती है। वे आप पर कूद पड़ते हैं, लेकिन आप नीचे झुक जाते हैं। वे चट्टान से समुद्र में गिर जाते हैं। सबसे बड़ा दैत्य अभी भी वहाँ है, क्योंकि ये जानता था कि आप क्या कर रहे हैं। आमने सामने की लड़ाई में आपके पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं है। आपको महसूस होता है कि वो महिला आपकी तरफ आती दैत्यों की टोली से बचकर भागने की कोशिश कर रही है। आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है और आप बड़े से दैत्य की पकड़ से फिसल जाते हैं और महिला को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वो विशाल दैत्य आपके जितना तेज नहीं है, इसलिए आप आसानी से उसे पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन दैत्यों की टोली उस महिला को रौंदने वाली है। आप उनके सामने कूदते हैं और उस महिला को पकड़ लेते हैं। इस पर दूसरे दैत्य चौंकते हुए क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि आपने उस महिला को बचा लिया। सभी दैत्यों को अब आपके बारे में पता चल गया है और वे आपके पीछे पड़ गए हैं। कुछ दिनों बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका पीछा करना छोड़ दिया है। अब आप रेगिस्तान के बीच में हैं। वो महिला अभी भी आपके कंधे पर है। उसने अपने लिए एक छोटा सा शेल्टर बना लिया है जहां वो बिना परेशान हुए सो सकती है। आप रेगिस्तान से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आपको देख सकता है। आप थके हुए हैं और आपको पानी की जरूरत है। आप मुश्किल से रेत में अपने पैर आगे बढ़ा पा रहे हैं। आप नीचे बैठ जाते हैं, अपना सिर ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूर्य बहुत तेज है। आपको बहुत पसीना आ रहा है और ये महिला पर टपक रहा है। वो आपसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि वो क्या कह रही है। आप कमजोर हो रहे हैं और आगे नहीं बढ़ सकते। अभी दोपहर है, इसलिए सूर्य अपने पीक पर है। जलती धूप से बचाने के लिए आप अपने हाथ से महिला के लिए एक छायादार जगह बनाते हैं। दिन बीतता है और रात आती है। आपने सारा दिन धूप में बिताया और अब आप रेगिस्तान की ठंड में हैं। ये जमा देने वाली ठंड है। आप महिला को ढक लेते हैं और अपना दूसरा हाथ ऊपर रखकर ठंडी हवा से बचाने के लिए एक गर्म डोम बनाते हैं। यहाँ घुप अंधेरा है और आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप बस चलते जा रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं, रेत के टीलों पर चल रहे हैं। फिर से दिन निकल आया है। आप किसी दूसरे दैत्य के बड़े से फुटप्रिंट देखते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे। ऐसा लगता है कि ये चट्टान के पास मौजूद बड़े वाले दैत्य से भी बड़ा है। आप जितनी तेजी से हो सकता है भागते हैं, लेकिन वहाँ छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। अचानक आप उसे अपने सामने खड़ा पाते हैं। अब तक आपने जितने दैत्यों का सामना किया है, ये उस सबसे काफी बड़ा है। ये सो रहा है और सूर्य से एनर्जी हासिल कर रहा है। कुछ दैत्य अलग जलवायु और इलाकों के आदि होते हैं। ये लंबा है और ये ज्यादा धूप पाने के लिए सूर्य तक पहुंच सकता है। आप दबे पांव इसके पास से गुजरते हैं ताकि ये जाग न जाए, लेकिन ये अपने आसपास की हर चीज को फील कर सकता है। ये चौंका और उस वक्त तक आपका पीछा करता है जब तक आप समुद्र तक नहीं पहुंच जाते। उसे पानी पसंद नहीं है, इसलिए वो किनारे पर ही खड़ा है। आप तैर कर दूर जा रहे हैं तो वो आप पर चिल्ला रहा है।